टानर जोरी नी आनर जोरी नी हो केड़ी केड़ी मैं दसा गल शहर रजोरी नी नाल शहरे शहर बसिया जाई किले पर जिसी भी दसिया दो दरियावां विच तरनी जिया कटोरी नी हो केड़ी केड़ी मैं दसा गल शहर रजोरी नी। इसमें फिर आगे लिखा था मैंने के ना कोई दुख थे ना कोई रोग रसने बसने पहाड़ी लोग हर लब्बे दुश्मन संगी ऐसा मरोड़ी नहीं केड़ी केड़ी में दसा गल शहर रजोरी नहीं। गुजर और बकरवाल भाइयों के लिए मैंने लिखा के सादे सोने भाई मेरे टोका पर जिन्ना लाए डेरे चाह नाल खाने मकनी रोटी मरोड़ी नहीं केड़ी केड़ी में दसा गल शहर रजोरी नहीं। और फिर लिखा के राम नाम मंदरां विच गाना पहाड़ मसीतां करन अजाना और शब्द ना कीर्तन पहना करना जरूरी नहीं केड़ी केड़ी में दसा गल शहर रजोरी। मेहनत ना फल मिल सी पहाड़ियों हो जाओ तैयार एसटी मिलन लगा एसटी मिलन लगा मुखड़ा था इसका। और इसमें मैंने जो अमित शाह साहब हैं उनका जिक्र किया बच्चों से कि भाई अपने कल्चर को मत छोड़ो चाहे आप किसी भी कल्चर से संबंधित हो डोगरा हो पहाड़ी हो गुजर हो बकरवाल हो गद्दी हो सिपी हो कोई भी हो अपने कल्चर से जुड़े रहो यही है। एक पहाड़ी आर्टिस्ट भारत भूषण वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और आपने भी अक्सर इनके गाने सुने होंगे खासकर जब पहाड़ियों के एसटी स्टेटस का मसला चल रहा था तो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला इनका गाना एसटी मिलन लगा। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि एक मूवी भी इनकी आई थी लकीर के नाम से वो भी आपने ज़रूर देखी होगी। भूषण जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ को भी समय दिया और आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं है आप वाकई ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि मूवी जो लकीर बनाई गई थी वो किन चीज़ों को लेकर बनाई गई थी। लकीर मूवी जो थी उसमें डायरेक्ट किया और आप यकीन करें वो 1944 की स्टोरी को लेके हम चले उन सब चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई लेकिन मैसेज बहुत बड़ा रहा। मैसेज ये रहा कि ये लकीरें जो हैं ये खिंच जाती हैं इंसान बिछड़ जाते हैं लेकिन हिमोटेरिन भगवान ना करे कभी किसी से कोई बिछड़े उन वो जो दर्द थे भाई उधर है बहन इधर है। क्योंकि एसटी स्टेटस की मांग चल रही थी तो सबसे ज़्यादा आपका जो गाना वायरल हुआ वो हुआ एसटी मिलन लगा। मैं थोड़ा सा एक दो उसके जो है वो जुमले सुनना चाहूँगा एसटी मिलन लगा। ऐसा है कि एसटी मिलन लगा सॉन्ग कोई शक नहीं कि बहुत वायरल हुआ और अभी लगभग 20 लाख से ऊपर उसके व्यूवर्स अलग अलग चैनल पे जो हो रहे हैं और ये उस पार भी बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है और यूके में भी हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उसको सुन रहे हैं मुझे अलग अलग जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं। तो ऐसा था कि जब ये लड़ाई लड़ते लड़ते मैं तो 30-35 साल से ये जो पहाड़ी जो हम लोग एसटी की डिमांड कर रहे थे उस लड़ाई में था तो जब मुझे ये लगा कि आज हम उस लड़ाई के उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब हमें कुछ मिलने वाला है और सरकार की तरफ से भी आश्वासन था आपको पता है कि ट्राइबल मंत्री जी के पास भी हमारा ग्रुप पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का गया था और जब सब कुछ हमें लगा कि अब होने वाला है तो मैंने कहा क्यों ना एक सांग ऐसा बनाया जाए कि वही लोगों को बताएं कि मिलने वाला है यार कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उसमें लिखा था मेहनत ना फल मिल सी पहाड़ियों हो जाओ तैयार एसटी मिलने लगा एसटी मिलने लगा मुखड़ा था इसका। और इसमें मैंने जो अमित शाह साहब हैं उनका जिक्र किया फिर मोदी जी का जिक्र किया मैंने सरकार का जिक्र किया कि आप लोगों ने हमें आश्वासन दिया है भाई हमारी जान भी ले लो लेकिन हमें एसटी दे दो ये एक दिल के भाव होते हैं। आपकी विसाजत से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि गाने जो है ना ये लिखने वाला बहुत बड़ा रोल कर जाता है और आप ये हिंदुस्तान की आज़ादी का जब समय वो जो लड़ाई 1857 से शुरू होकर बाद तक लड़ी गई लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा और तब के वो जो लिखने वाले थे उन्होंने क्या क्या लिखा उससे नौजवानों में एक जोश आया एक उनको पता लगा कि हम कहीं गुलाम हैं और गुलाम ना रह जाएं। तो मैं भी एक कोशिश करता हूँ एक नाचीज़ आदमी हूँ और एक कोशिश करता हूँ। कितना टाइम एक गाने को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता नहीं वो जो होता है ना जी
अगर लिखा जाए तो एक दिन भी लिखा एक घंटा आप सोच विचार में शुरू हो जाओ तो कहीं जाते लिरिक्स लिखने, उसके बाद उसको कंपोज करने में इतना बड़ा समय नहीं होता, कंपोजिशन बनाई जाती है और उसके बाद सिंगर से उसको तो। ये जो गाना एसटी मिलन लगा ये तो अभी मैंने गवाया, और इसके बाद जो जो पहले साल पहले मैंने शान रजौरी ने गवाया था तो वो सुरेंद्र सिंह मनास जी ने गाया। रजौरी ने भी कल आपने रिलीज किया है, मैं आपके मुंह से दो चार उसके लफ्ज सुनना चाहूंगा क्योंकि आपने वो गाना लिखा है तो आपसे बेहतर उस गाने को कोई समझ नहीं सकता। वो लिखा था मैंने, आपको थोड़ा तरन्नुम में सुना देता हूँ। शान रजौरी नी आन रजौरी नी हो केड़ी केड़ी मैं दसा गल, शहर रजौरी नी नाल शहर शहर बसिया, जाई किले पर जिसी भी दसिया, दो दरियावां विच तरनी जिया कटोरी नी हो केड़ी केड़ी मैं दसा गल, शहर रजौरी नी। इसमें फिर आगे लिखा था मैंने के ना कोई दुख थे ना कोई रोग, रसने बसने पहाड़ी लोग, हर लब्बे दुश्मन संगी ऐसा मरोड़ी नी, केड़ी केड़ी मैं दसा गल, शहर रजौरी नी। गुजर और बकरवाल भाइयों के लिए मैंने लिखा के सादे सोने भाई मेरे, टोका पर जिन्ना लाए डेरे, चाह नाल खाने मकनी रोटी मरोड़ी नी, केड़ी केड़ी मैं दसा गल, शहर रजौरी नी। और फिर लिखा के राम नाम मंदरां विच गाना, पहाड़ मसीतां करन अजाना, और शब्द ना कीर्तन पहना करना जरूरी नी, केड़ी केड़ी मैं दसा गल, शहर रजौरी नी। कितना जरूरी है इस वक्त अपने कल्चर को प्रमोट करना, जिस तरह से आप अपने कल्चर को लगातार जो है वो फ़रोग दे रहे हैं, कितना ज़रूरी है नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। मैं ये आपका बहुत बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को और अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी दुनिया में चले जाओ, लेकिन जब आप अपने किसी को देखो तो आपका रंग निखर जाता है। कल्चर वही चीज़ है। अगर अगर एक मैं आपको बता दूं बात के हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों ने जब इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया तो एक रिपोर्ट तैयार की गई और लॉर्ड मैकाले ये लिखता है उसमें कि यहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले सिस्टम है उसको तबाह कर दो तो हम हिंदुस्तान पर कई सौ साल राज करेंगे। और एक रिपोर्ट में वो उनका एक आदमी ये भी लिख रहा है कि अगर ये लोग अपने कल्चर से जुड़े रहे तो इनके ऊपर हम ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। तो आप ये मानो कि कल्चर कितनी बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी ज़मीन की जड़ से जुड़े रहना है। आप जिस खित्ते में रहते हो, जिस भाषा को आप बोलते हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, कोई भी कल्चर हो, वो जिंदा रहना चाहिए। और उसी से हिंदुस्तान अगर पूरी दुनिया में सबसे अगर अलग है तो वो इसलिए अलग है कि यहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा में एक चेंज होती है, वहाँ के कल्चर में चेंज होती है। और हम लोग एक कलरफुल इस देश में रहते हैं और जिस देश में सबसे ज़्यादा मौसम है, ऊपर वाले ने जिसको इतनी नेमतें दी हैं, तो मैं एक गुजारिश करूँगा आपके वो सवाल के ऊपर अपने नौजवानों से, अपनी बच्चियों से, बच्चों से कि भाई अपने कल्चर को मत छोड़ो, चाहे आप किसी भी कल्चर से संबंधित हो, डोगरा हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिपी हो, कोई भी हो, अपने कल्चर से जुड़े रहो। यही हमारे हिंदुस्तान की शान है, यही हमारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। भारत भूषण वैद्य जी थे हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके क्योंकि अपने कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं और सभी नौजवानों को ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है कि अपने कल्चर से जुड़े रहें और अपने कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखें। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर रुड़े के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।